जय बच्चों, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है हमारा ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में हमारा हम सेकंड में करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। हमें ऐड करते हैं, जैसे कि हमने फोर्थ क्लास में सीखी थी, हमने 5 डिजिट की ऐड सीखी थी। अभी हम 6 डिजिट और 7 डिजिट की ऐड करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे फर्स्ट 2 और 9 11 का 1 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 5 और 1 6, 3 और 4 7, 3 और 8 और 3 और 5 8, 3 और 5 8। तो हमारा डिजिट क्या होगी, 1,100,000 लाख, 8,76,801। अब हम नेक्स्ट बी देखेंगे। बी है हमारा जैसे 5 और 2 7, 9 और 2 11, कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5, कैरी 1, 5 और 1 6, 6 और 9 15, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 0 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 कैरी 1, 7 और 1 8। नेक्स्ट देखेंगे। अब मैंने बी करा दिया, सी डी ई एफ आपका होमवर्क है, अपनी बुक में करेंगे। अब हम करेंगे जी। जी में हम देखेंगे कि हमारी थ्री लाइन वाली है, यहाँ पे 2 लाइन थी, यहाँ पे 3 लाइन। तो अब हम इसे करेंगे, इसे भी सेम वैसे ही करते हैं जैसे 2 लाइन वाले करते हैं, जैसे आपने फोर्थ क्लास में भी किया है। 7 और 2 9, 9 और 6 15, कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15, कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 4 21, यहाँ पे कैरी क्या आएगा 2, यहाँ पे 1 आ गया तो क्या, यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 6, 3 और 6 9, 9 और 0 9, 1 और 2 3, 3 और 0 0, तो यहाँ पे आएगा 3, 1 और 2 3, 3 और 0 3, तो आएगा 3। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इसी प्रकार जो हमारा H है, 7 और 2 9, 1 और 9 10, 10 और 0 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, कैरी 1, 0 और 1 1, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 12 और 7 19, 19 तो कैरी 9 आ गया, यहाँ पे कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 तो यहाँ पे आ गया हमारा कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 4 और 4 8। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर सी डी ई एफ अपनी बुक में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मिसिंग डिजिट। जो डिजिट मिसिंग है, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे रेड जो लाइन है ना, वहां पे कुछ डिजिट आएगी। हम देखेंगे अब, जैसे फर्स्ट है हमारा, देखेंगे यहाँ पे कि हमें कुछ ऐसी डिजिट सोचनी है जिससे हमारे यहाँ पे 1 आए या 11 आ सकता है, ठीक है। जैसे 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, 4 और 7, 11 का 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैरी 1। अब हम देखना है कि यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए है, 4 और 7 11 कैरी 1। अब यहाँ पे हमारा आना चाहिए यहाँ पे 3, और यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसी डिजिट सोचनी है जो 3 है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0, 1 और 2 3,
इसके बाद टू और वन थ्री, उसके बाद देखेंगे हम सेवन और फोर इलेवन का वन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैरी, कैरी आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइव, फाइव और वन सिक्स, सिक्स और जीरो सिक्स, यहाँ पे आप देखेंगे सिक्स और एट फोर्टीन, फोर्टीन का फोर कैरी वन। अब हम देखेंगे यहाँ पे फोर और वन फाइव, अब हम यहाँ पे देखेंगे टू या ट्वेल्व बनना चाहिए हमारा, तो फाइव और सेवन क्या होता है हमारा, फाइव और सेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू कैरी वन, तो थ्री और वन फोर, फोर और फाइव नाइन। तो इसी प्रकार करेंगे जो हमारे रेड डिज, जो हमारी रेड लाइन है उसमें जो मैंने मिसिंग डिजिट भरी है, जैसे फर्स्ट में है सेवन जीरो फाइव सेवन, तो हम नेक्स्ट सेकंड में भी करेंगे, बी पे देखते हैं, बी में हमारा क्या है एट और थ्री इलेवन का वन कैरी वन। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा हमारा फाइव, फाइव और वन सिक्स, सिक्स और टू एट, अभी देखेंगे फोर और थ्री सेवन, अब यहाँ पे देखेंगे हम सेवन और जीरो सेवन, सेवन और जीरो सेवन, अब नेक्स्ट देखेंगे सेवन और एट फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव कैरी वन, कैरी वन, तो यहाँ पर रहेगा हमारा टू, टू और वन थ्री, थ्री और नाइन ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू कैरी वन, ट्वेल्व का टू कैरी वन, फाइव और वन सिक्स, सिक्स और टू एट। इसी प्रकार आप फर्स्ट क्वेश्चन का सी डी ई एफ करेंगे और सेकंड का सी और डी करेंगे, अपनी बुक में फिल कर देंगे, आपका होमवर्क है।